अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा इरशाद और आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। स्मार्ट मोबाइल फ़ोन बनाने वाली चीनी कंपनी वीवो ने महंगाई के दौर में वाई सीरीज़ का अपना कदरे सस्ता फ़ोन मुतारफ़ करवा दिया है, जिसे बैटरी और कैमरों की वजह से मुनासिब करार दिया जा रहा है। कंपनी ने रवा बरस पहले ही वाई सीरीज़ के मुतअद्दिद फ़ोन मुतारफ़ कराए थे और अब इसने Y27S को पेश कर दिया है, जो कि Y27 सीरीज़ का हिस्सा है। वीवो Y27S को 6.4 इंच स्क्रीन के साथ मुतारफ़ करवाया गया है, जबकि इसे एंड्रॉयड 13 के ऑपरेटिंग सिस्टम में पेश किया गया है। कदरे मुनासिब कीमत के फ़ोन के बैक पर दो कैमरे दिए गए हैं, जिसमें से मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल जबकि दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल दिया गया है। इस तरह फ़ोन के फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। ताहम कंपनी का दावा है कि फ़ोन के कैमरों को जदीद टेक्नोलॉजी से अपग्रेड कर दिया गया है। फ़ोन को 8 GB रैम और 128 और 256 GB मेमोरी के साथ पेश किया गया है। वीवो Y27S में फिंगरप्रिंट सेंसर समेत दीगर फीचर्स भी दिए गए हैं, जबकि इसे ताकतवर बैटरी और फास्ट चार्जर के साथ मुतारिफ़ कराया गया है। फ़ोन को 5000 mAh की बैटरी और 44 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ पेश किया गया है और कंपनी का दावा है कि महज 30 मिनट में इसकी निस्फ से ज़्यादा बैटरी चार्ज की जा सकती है। कंपनी ने फौरी तौर पर फ़ोन को सिर्फ इंडोनेशिया में फ़रोख्त के लिए पेश किया है, ताहम जल्द ही इसे पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में भी पेश कर दिया जाएगा। कंपनी ने 8 GB रैम और 256 GB मेमोरी की मॉड्यूल की कीमत पाकिस्तानी 50,000 रुपये रखी है, ताहम मुमकिन तौर पर इसे पाकिस्तान में पेश किए जाने के वक्त इसमें मज़ीद कमी कर दी जाएगी। फ़ोन को कीमत और कैमरों समेत बैटरी के हवाले से बेहतरीन करार दिया जा रहा है। महंगाई के इस दौर में चाइना ने कदरे सस्ता मोबाइल मुतारफ़ कराया है, जो कि वीवो का नया मॉडल है। चाइना पहले भी सस्ती चीज़ें फ़रोख्त करता है और कोई भी आम आदमी उसे आसानी से ख़रीद सकता है। ये पाकिस्तान के गरीब शहरियों के लिए भी एक खुशखबरी है और पाकिस्तान में इस फ़ोन के आने के बाद इसकी कीमत में मज़ीद कमी के चांसेस मौजूद हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।